क्या समझते हैं मर्द और औरत माज अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है। मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं। इधर देखिए मेरी तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंध देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना चुप नहीं कराया पूरी बात सुनी वो भी जानी है, और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंध सोचा वो तमाम का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है,